देखो, पता नहीं लोग कहाँ का वीडियो लेकर डाल दे रहे हैं, और पूरी तरह से ग्राउंड खाली है, दोनों साइड पे खाली है। शायद उस साइड पे कुछ लगी हो, तो चलिए देखते हैं उस तरफ। बाहर साइड पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं बस, ये सब। दादी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सविता, एंड वेलकम बैक टू सविता का संसार। सो भाई, आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट थी कि डालीगंज मेले का कुछ अपडेट बताओ, कुछ अपडेट बताओ। यार अभी नहीं लगा है डालीगंज मेला, और कार्तिक पूर्णिमा के बाद से लगना शुरू हो जाता है मेला। एंड मुझे पता नहीं लोग कहाँ का वीडियो डाल कर उस पर टाइटल डाल दे रहे हैं, कक्की का मेला लग गया, भुड़ुक्की का मेला लग गया। भाई कुछ भी नहीं लगा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे के साथ। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर कुछ कुछ दुकानें लग जाती हैं, और ये शायद अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो धूप में आप अच्छा खासा थोड़ा सा धूप सेकने के पर्पज़ से, या इधर गोमती नदी है बोटिंग करने के पर्पज़ से आप आ सकते हो, थोड़ा सा कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। और शाम को शायद और भी शॉप्स लगती हैं, थोड़ा बहुत फूड स्टॉल लग जाता है, दैट्स इट। अभी कोई पूरा मेला नहीं लगा है। क्या पूरी अपडेट है मैं भी आपको दिखा रही हूँ। ये वो एरिया है जहाँ पर विसर्जन होता है, आपको याद हो इधर गणेश जी का विसर्जन होता है और माता जी का विसर्जन होता है, वो वाली जगह है ये। मेन जो मेला लगता है वो उस जगह पे लगता है, वहाँ भी कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया है। और ये है गोमती नदी, जहाँ पर इधर बोटिंग वगैरह होती है, और देखो ये शॉप्स लगी हुई हैं कुछ कुछ, ठीक है। और शाम को कुछ जैसे ठेले वगैरह आ जाते हैं वहाँ से, क्योंकि लोग पार्क है ना, लोग घूमने चले आते हैं, टहलने चले आते हैं, दिन भर यहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है, तो लोग ऐसे ही आ जाते हैं। तो शाम को थोड़ी बहुत और दुकानें लग जाती होंगी, बाकी अभी कोई मेला नहीं लगा है। भाई किसी और का वीडियो देखकर इतना मतलब वो मत करिएगा, पैनिक मत हुई है, कत्ती का मेला लग गया भाई। जैसे ही लगेगा मैं पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दुकानें लगी हुई हैं, ये बच्चों के खिलौने वाली, ये, और ये देखिए इस तरह से खिलौने वगैरह लगे हुए हैं, डॉल्स हैं। और शाम के टाइम यहाँ पर खाने पीने की भी शॉप लग जाती है। उधर है बच्चों के खिलौने का लगा हुआ है, उधर एक दुकान लगी हुई है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई दुकानें मुझे नहीं दिख रही, ठीक है। पूरा मैं दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस साइड पर भी देखिए भाई खिलौने वाली दुकानें लगी हुई हैं। भाई आप लोग रोज़ लगा रहे हैं इधर? हाँ, अच्छा नहान से, एकादशी वाले दिन से। अच्छा अच्छा, तो पूरा मेला वगैरह कब तक लगेगा कुछ पता है? लग जाएगा 20-25 तारीख तक। 20-25 से लग जाएगा, ओके ओके। ये देखिए, चलिए थोड़ा सा उधर का आपको नज़ारा दिखा देते हैं, बोटिंग वगैरह का। बाकी यहाँ पर कुछ भी शॉप नहीं है, एंड मेरा भाई कुरकुरे लेकर खा रहा है, वो उधर के रेगुलर शॉप्स हैं। क्या है ये? नूडल्स स्नैक्स, नूडल्स स्नैक्स देखकर कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन निकलता उसके अंदर ये है ऐसा नूडल्स। परेशान मत होइएगा आप लोग, जैसे ही कत्ती का मेला लगेगा, ठीक है, अंदर मेन दुकानें जहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाएंगी, मैं तुरंत अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, जैसे ही लगेगा मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ बोटिंग का नज़ारा आपको दिखाते हैं, पानी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बर्फ पानी दोनों ही। ये देखिए ये कितनी सारी मछलियाँ आ गई, देखो देखो देखो, ये पूरा खाना खाने आ रही है। बोटिंग के 50 रुपीज चार्ज लेते हैं, 50 रुपीज पर पर्सन। देखिए केवल यहाँ से इस तरफ से और उस तरफ ले जाएंगे बस। बीच में पानी ना थोड़ा सा स्मेल भी करता है, कुछ अच्छा पानी है नहीं यार, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है पानी में भी, देखो क्लीन है नहीं, बट मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये पानी, और देखिए कितना पोल्यूशन कर रखा है, सब मूर्ति वगैरह इसी में विसर्जन कर रखा हुआ है। देखिए छोटी छोटी सी फिशेज हैं बस इसमें, वो ब्लैक कलर की,
अगर आपको फिशेस दिख रही है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अरे अरे, अभी एक जगह पे सारी इकट्ठा हुई थी, जैसे आ गए वैसे चली गई। अरे यार, ये लोग जैसे पैर की उससे वो सेंस कर ले रही ना। अब देखो वहाँ खड़े थे, देखो वहाँ इकट्ठा हो गई सारी। अब देखो सेंस कर ले रही है, जैसी उधर जा रहे हो वैसे हट जा रही हैं। ये देखिए पूरा एरिया ये खाली है, लेकिन इस जगह पे हलचल इसलिए होती है क्योंकि लोग नदी में आ रहे हैं। अभी मैंने देखा बहुत लोग नहावा भी रहे हैं उसमें। ये देखिए पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है ग्राउंड में। सो ये था कत्की के मेले का एक अपडेट आपके साथ, आप लोग की डिमांड पे मैंने शेयर किया। बाकी तो जब लग जाता तो मैं आपके साथ शेयर करती ही करती। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर उन लोग के साथ करिएगा जिनको इस चीज़ की कन्फ्यूजन है कि कत्की का मेला लग गया है, अपडेट नहीं पता चल पा रही है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन लोगों को पता चले कि अभी नहीं लगा है। अभी लगने में यार 15-20 दिन तो लगने में ही लग जाते हैं पूरे मेला वगैरह, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिए, जैसे लगेगा मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और सो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपडेट पाने के लिए। ओके, बाय बाय।